प्राइवेट सेक्टर मांगे आजादी, गवर्नमेंट कंट्रोल से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। मिल गई भैया आजादी, बहुत जल्दी मिल गई भैया। 1991 में प्राइवेट सेक्टर को आजादी मिल गई गवर्नमेंट कंट्रोल से, इसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। दोस्तों चैप्टर कर रहे हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और आज का जो टॉपिक है वो है लिबरलाइजेशन। लिखते हैं पहले टॉपिक और फिर इसको करते हैं। तो टॉपिक का नाम है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। शाब्दिक अर्थ इसका होता है आजादी, यो जी भैया आजादी, फ्रीडम, ये इसका शाब्दिक अर्थ है आजादी यानी फ्रीडम। तो दरअसल पहले तो इसकी डेफिनेशन करेंगे भी है क्या चीज ये, डेफिनेशन करेंगे। तो डेफिनेशन ये कहती है कि लिबरलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने थोड़ी आजादी दे दी थी प्राइवेट सेक्टर को कि भैया तुम एंट्री भी कर लो और तुम ग्रोथ भी कर लो। यूं भी कह सकते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, जो प्राइवेट सेक्टर को मुट्ठी में बंद कर रखा था, वो मुट्ठी थोड़ी ढीली छोड़ दी है कि भैया तुम भी अब सांस ले सकते हो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है जी। तो यह है कि इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। भाई ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है जी। देखो जरा क्या है इसमें खास बात तो ये है कि भैया हम इसमें रिमूव कर रहे हैं अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को, हटा रहे हैं जो सरकार ने बिना बात की खामा खा के उनको दबाने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उसको हम हटा रहे हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिले नए नए सेक्टर्स में और प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ कर पाए। ये है लिबरलाइजेशन। ठीक है भाई लोग, ओके। अब कौन कौन से रिफॉर्म किए गए थे वो लिखते हैं। तो यहां पे टॉपिक आएगा रिफॉर्म्स टेकन अंडर लिबरलाइजेशन। कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए हैं वो हम चर्चा करते हैं। तो मेरे को सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। आप लोग लिख सकते हो भैया, नोटबुक ले निकालो, पेन निकालो, लिखते चलो मेरे साथ। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म लिखते हैं यहां पे। एक तो ये हो गया जी हमारा। नंबर दो पे आता है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तीसरा बनता है हमारा टैक्स रिफॉर्म। चौथा बनता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। और पांचवा और आखिरी है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है भाई, ये है रिफॉर्म्स लगाए थे, कोई बात नहीं, रिफॉर्म्स। ये पांच रिफॉर्म्स है जो इस पूरे लिबरलाइजेशन को कवर करते हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट्स, पांचों पॉइंट्स हम करेंगे। एग्जाम में आता है भाई ये, एग्जाम में आता है, तो इसको हम एक एक करके अभी करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, बाकी को मिटा देते हैं। अब शुरुआत करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसको मिटा दिया हमने, ये मिटा दिया इसको। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म हेडिंग डालते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। तो हेडिंग है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। तो भाई देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या क्या सरकार ने रिफॉर्म किए। तो भाई एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 24 जुलाई 1991 को, लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है।
न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी सरकार ने, 24 जुलाई 1991 को, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो इसका बनता है वो बनता है एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ये वाला पहला पॉइंट है भाई साहब इसका। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एबोल्यूशन मतलब खत्म करना, खत्म करना, खत्म कर दिया गया। क्या खत्म कर दिया गया? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि 1991 से पहले, 1991 से पहले हर इंडस्ट्री को इंडिया में फंक्शन करने के लिए, सेटअप करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार ने लाइसेंस की व्यवस्था को ही एबॉलिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब केवल 5 ऐसी इंडस्ट्री है जिनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, ओनली 5 इंडस्ट्रीज टू टेक लाइसेंस, और किसी को भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखते हैं कि 5 इंडस्ट्रीज नीड लाइसेंस, 5 इंडस्ट्री को लाइसेंस चाहिए भैया, ठीक है जी। तो ये देखो ये 5 इंडस्ट्री है, ये सारे मार्क मेरे हाथ में आ गए। 5 इंडस्ट्री याद रखनी बहुत जरूरी है, 5 इंडस्ट्री को लाइसेंस चाहिए। कौन कौन सी वो इंडस्ट्री होगी हम चर्चा करते हैं। तो ये देखो ऐसा है, LCD इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ये लाइन आपको याद करनी है, और इस लाइन से ये, इसको न्यूमोनिक भी बोलते हैं, इस लाइन से वो 5 इंडस्ट्री निकालेंगे जो जिनके लिए लाइसेंस जरूरी है। तो सबसे पहला जिसका पॉइंट है वो तो यही वाला बेटा, L, इस L का मतलब होता है लिकर, LIQUOR, शराब, यानी कि शराब बनाने वाली इंडस्ट्री है उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से, ठीक है जी। सी से बनता है नंबर 2 पे सिगार भी कह सकते हो, या इसको सिगरेट कह सकते हो, या टोबैको, तमाकू, ठीक है जी, इनके लिए भी लाइसेंस जरूरी है। सिगार, सिगरेट, टोबैको अगर कोई कंपनी बनाती तो लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके बाद आता है डी, डी है डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, भाई डिफेंस इक्विपमेंट का मतलब देख लो भी क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, हथियार जो देश की सेना यूज करती है, गोला बारूद, टैंक, राइफल्स, ये सब डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं जो देश की सुरक्षा के काम आते हैं, इनके लिए भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। लिकर, सिगार, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, उसके बाद है केमिकल, इससे बनेगा हैजार्डियस केमिकल, हैजार्डियस केमिकल, यानी कि हैजार्डियस वर्ड का मतलब होता है खतरनाक, ऐसे केमिकल्स जो बहुत खतरनाक होते हैं, जो जला देते हैं, तेजाब टाइप के जो होते हैं, हैजार्डियस केमिकल, इनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप इनको बनाते हो तो। इसके बाद है इंडस्ट्री, इससे बनेगा आपका नंबर 5 पे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, RDX वगैरह, तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव जो माइनिंग वगैरह में काम आता है, माइनिंग में जो है उसमें जो यूज करते हैं माइनिंग के लिए एक्सप्लोजिव, उसके लिए भी। तो ये 5 पॉइंट्स ऐसे जिनके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, इसके अलावा किसी और इंडस्ट्री के लाइसेंस की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, है ना जी, एबॉलिश। तो हम इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि नो नीड ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस की व्यवस्था नहीं है इन 5 के अलावा, किसके लिए, सेटअप न्यू इंडस्ट्री, अगर आपको कोई न्यू इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 एक्सपेंशन का मतलब अगर आपको नई नई ब्रांच खोलनी है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है, उसके लिए भी लाइसेंस की कोई व्यवस्था नहीं है, अब आप छोड़ सकते हो, लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा आपको। नंबर 3 डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई और, जैसे मान लीजिए आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो, आप लोग
फॉर एग्जाम्पल बैग बनाते हो, बैग ना जो स्कूल लेके जाते हो बैग, आप बैग बनाते हो और बैग के बाद आप क्रिकेट बैट बनाने की इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, एक्सपेंशन, ब्रांच खोलना, डाइवर्सिफिकेशन, इनके लिए लाइसेंस की व्यवस्था अब नहीं है, खत्म कर दी गई, बस इन पांच इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस चाहिए। ठीक है भाई। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं अगला पॉइंट। ये पहला पॉइंट था एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब सेकंड पॉइंट करेंगे इसका, वो है डिक्रीज इन रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया। आप लोग लिख लेना ये, ठीक है, इसको लिख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा लास्ट टाइम पे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, मतलब सेकंड जो पॉइंट है इसका, वो है डिक्रीज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म ही चल रहा है अभी, डिक्रीज इन रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो जी, आप जानते ही हैं कि 1991 से पहले गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत तगड़ा रोल हुआ करता था। 17 इंडस्ट्री ऐसी थी जो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के हैंड में थी, गवर्नमेंट के पास थी। धीरे धीरे इसको डिक्रीज करके 8 किया गया और आज की डेट की बात करें तो ये पहले 8 इंडस्ट्री गवर्नमेंट के हैंड में थी, और आज की बात करें तो केवल 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के हैंड में है, गवर्नमेंट के साथ है। ठीक है, 17 थी पहले, फिर 8 हुई और आज 3 है। इन 3 इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ही काम करेगी, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं घुसता, सिर्फ 3 इंडस्ट्री में। पहले 17 थी, अब 3 हो गई है, तो कितना ज्यादा रोल रिड्यूस कर दिया गया, 17 से 8 पे है, 8 से 3 पे है। अब सवाल है कि वो कौन सी 3 इंडस्ट्री है जिनके ऊपर केवल सरकार का ही हाथ है, मतलब सरकार ही उसको फंक्शन करेगी, कोई और प्राइवेट सेक्टर उसमें एंट्री नहीं, उसको नहीं मिलेगी प्राइवेट सेक्टर को। तो 3 इंडस्ट्री है, एक सही पहचान आपने, रेलवे। यस, रेलवे सरकारी ही हो सकती है, गवर्नमेंट की ही हो सकती है, प्राइवेट नहीं होगी रेलवे। नंबर 2, एटॉमिक एनर्जी। भैया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु, यानी कि जो ऐसे सब्सटेंस है जो रेडियो एक्टिविटी जनरेट करते हैं, जैसे यूरेनियम 235 नाम से एक आता है सब्सटेंस, जिनसे परमाणु विकिरणें निकलती हैं, है ना, रेडिएशन निकलती है एटॉमिक, वो केवल सरकार के पास है। और सरकार बिजली उत्पादन करती है, भारत की सरकार बिजली उत्पादन करती है, और देश की टोटल बिजली का 2% एटॉमिक एनर्जी से आता है। तो एटॉमिक एनर्जी तो भैया सरकार के पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सरकार के पास रहेगी। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है डिफेंस इक्विपमेंट। ये तीनों चीजें सरकार के पास रहेगी और बाकी को सबको प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया। 1, 2, 3, तो डिक्रीज इन रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, नॉट ओके, फाइन, आगे चलते हैं। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तीसरा पॉइंट है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये पॉइंट बनता है हमारा, है ना। देखो, तो जैसे कि आप जानते ही हैं, मैंने पहले वाली वीडियो में बहुत डिटेल में इस पर चर्चा की है कि सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे रखी थी 1991 से पहले। कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिनको केवल और केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किया गया था। रिजर्व का मतलब यह कि वो वस्तुओं को, उन वस्तुओं को बड़ी फर्म नहीं बना सकती। अच्छा, सरकार को डर यह था कि भैया बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसलिए सरकार छोटी जो इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है, छाती के लगा के रखना, उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसीलिए गुड्स को रिजर्व किया गया था कि भाई ये गुड्स जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी। ओके जी। लेकिन अब आ गया 1991 और हम वर्ल्ड बैंक को ये वादा करके आए कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करेंगे और प्राइवेट सेक्टर को हम मौका देंगे। तो अब यहां पर सरकार ने डी रिजर्वेशन कर दिया गया है।
डी रिजर्वेशन का मतलब यह है कि अब इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, अब बड़ी इंडस्ट्री भी वो गुड्स बना सकती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाती थी। ठीक है, आप देखो कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो चिप्स कुरकुरे बनाने में आ गई है, है ना, छोटी मोटी चीजें चिप्स कुरकुरे ये बड़ी बड़ी कंपनी को बना रही है ना। तो इसमें दो काम किए गए, एक तो इसके अंदर जो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, इनके हिसाब से तय होते थे प्राइस, मतलब सरकार की इन पॉलिसीज के हिसाब से प्राइस का डिटरमिनेशन होता था कि किसी वस्तु का प्राइस क्या होगा, वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो सरकार ही डिसाइड करती थी। अब वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी, ठीक है जी, मार्केट फोर्सेस। अब सरकार ने खुला छोड़ दिया है कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस को डिटरमाइन करेगी, प्राइस डिटरमिनेशन, ठीक है जी भाई, बहुत बढ़िया। तो एक पॉइंट हमारा डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया है। अब चौथा और आखिरी पॉइंट करते हैं इसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म कर रहे हैं अभी हम, है ना, इसका चौथा पॉइंट करते हैं वो है एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट इसकी फुल फॉर्म है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, है ना, लिख लेते हैं फुल फॉर्म इसकी, लिख लेते हैं मोनोपोलीज एंड आर रिस्ट्रिक्टिव टी ट्रेड, एग्जाम में पूछता है बेटा, लोग एग्जाम में पूछता है ये फुल फॉर्म, इसलिए लिखनी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिसेस एक्ट। तो भैया इसमें सरकार ने और ज्यादा छूट दे दी है प्राइवेट सेक्टर को कि भैया आप क्या करो, आप न्यू इंडस्ट्री सेटअप करो या आप अपना एक्सपेंशन करो, है ना, या आप अपना मर्जर करो। मर्जर मतलब दो कंपनी मिल जाती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में डिसॉल्व हो जाती है, मतलब डिसॉल्व तो नहीं कह सकते मर्ज हो जाती है, ठीक है, या एमेलगमेशन का मतलब है कि दो कंपनी मिलके नई कंपनी बन जाना, इसे एमेलगमेशन बोलते हैं। इन सब चीजों के लिए अब आपको सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं है, नो प्रायर परमिशन, ये लो जी परमिशन की आवश्यकता नहीं है अब आपको, अब ये काम आप अपने आप ही कर सकते हो बिना सरकार से पूछे। पहले पूछना पड़ता था, 1991 से पहले पूछना पड़ता था, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद एक पॉइंट और है वो ये कि एमआरटीपी एक्ट को बदल के कर दिया गया कंपटीशन एक्ट या कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट, 2009 की बात कर रहा हूं मैं, तो कंपटीशन ब्रैकेट में अमेंडमेंट एक्ट 2009 में किया गया है। ओके, तो भाई ये वाला मामला भी हो गया हमारा, यानी कि इस जो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट है इसमें गवर्नमेंट ने और ज्यादा छूट दी है, मोर लिबरल है ये एमआरटीपी से भी ज्यादा इसमें छूट दी गई है, तो लिख सकते हैं मोर लिबरल, ठीक है भाई, ओके भाई, ये लिबरल लिखा है, एम ओ आगे मोर लिबरल, LIBERAL लिबरल, ठीक है जी। ये हो गए हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, खत्म हुआ पहला, खत्म हुआ है हमारा, ठीक, पांच थे ना वो, पांच में से पहला खत्म हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब हम करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म अब हम करेंगे, ये भी भैया इंपॉर्टेंट है काफी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग डालते हैं नंबर दो, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ये हमारी हेडिंग है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा भैया फाइनेंशियल सेक्टर में आता क्या क्या है, तो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स, ये लिखना पड़ेगा, फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स। भैया ज्यादातर बच्चे समझते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक आते हैं, लेकिन सिर्फ बैंक नहीं आते भाई, अभी बता रहा हूं, इसके अंदर आते हैं एक तो यस कमर्शियल बैंक्स आते हैं इसके अंदर,
इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी इसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इसी के अंदर आती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसी के अंदर आती है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अलावा स्टॉक मार्केट भी इसी के अंदर आती है, स्टॉक मार्केट, ठीक है जी, ये सब इसी के अंदर आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। तो भाई इनको रेगुलेट कौन करता है, हु रेगुलेट्स फाइनेंशियल सेक्टर, तो हु रेगुलेट्स, तो आपको पता ही होगा हु रेगुलेट्स फाइनेंशियल सेक्टर, भाई आरबीआई रेगुलेट करता है इनको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको करता है रेगुलेट, है ना, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारा एपेक्स बैंक है, दैट इज अवर एपेक्स बैंक, एपेक्स बैंक मतलब सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ी बॉडी है, एपेक्स बॉडी, बैंक कह लो या बॉडी कह लो, बॉडी ठीक रहेगा, बैंक तो सिर्फ बैंक के बारे में चर्चा होगी, एपेक्स बॉडी है जो इन सभी चीजों को, फाइनेंशियल इन सभी को वो रेगुलेट करता है जी। तो अब कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए थे फाइनेंशियल सेक्टर में वो हम करते हैं। तो पहला रिफॉर्म किया गया था वो था चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। देखो भाई आरबीआई का रोल चेंज कर दिया गया है, आरबीआई का रोल चेंज कर दिया, पहले क्या था, प्रायर 1991 और पोस्ट 1991 दोनों में भैया हम करेंगे। तो भाई देखो 1991 से पहले और बाद में क्या था, पहले वो रेगुलेटर को कौन होता है, रेगुलेटर का मतलब होता है जो अपने नियम कायदे थोपता है आपके ऊपर, जो आपको डिक्टेट करने की कोशिश करता है, आपके लिए नियम वो बनाता है, वो रेगुलेटर है। लेकिन 1991 के बाद इसको बना दिया गया फैसिलिटेटर, इसका मतलब होता है हेल्प करने वाला, हेल्पर, अब वो आपकी हेल्प करेगा, आपको परेशान भी नहीं करेगा, आपके लिए नियम कायदे भी नहीं बनाएगा। तो रेगुलेटर से बन गया फैसिलिटेटर, रोल चेंज हो गया है। इसमें एक पॉइंट ये आता है कि पहले आरबीआई जो था वो फिक्स करता था इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक के लिए, फॉर सीबी, यहां पे सीबी का मतलब है कमर्शियल बैंक, ये रहा कमर्शियल बैंक, जो भी बैंक है सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, गवर्नमेंट भी है, एसबीआई, बीओआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक है, और प्राइवेट बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब जो है वो सारे कमर्शियल बैंक है। तो आरबीआई फिक्स करता था इंटरेस्ट फॉर कमर्शियल बैंक, अब क्या है, नाउ मार्केट पे छोड़ दिया गया इसको, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया कि भैया, यानी कि कमर्शियल बैंक अब खुद डिसाइड करेंगे अपना मामला, है ना। तो ये रोल चेंज कर दिया गया आरबीआई का, अच्छा किया ना, बहुत बढ़िया किया भाई, आरबीआई छींकता था तो लोगों को बुखार आ जाता, लोगों को मतलब कमर्शियल बैंक को, आरबीआई ने छींक मारी, कमर्शियल बैंक को बुखार आ गया, पता नहीं क्या 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 होगा, क्या करेंगे लोग हमारे साथ, है ना, तो चेंज कर दिया। नंबर दो, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, बड़ी हैरानी की बात है ना, देखो जी प्राइवेट बैंक का ओरिजिन बॉक्स में डाल देते हैं ताकि पता रहे कि ये हमारा पॉइंट है, ये प्राइवेट बैंक का ओरिजिन 1991 के बाद हुआ, इससे पहले सारे सरकारी बैंक हुआ करते थे। अच्छा, केवल प्राइवेट बैंकों नहीं, विदेशी बैंकों को भी अलाउ किया गया है 1991 के बाद, प्राइवेट बैंक भारत के और विदेशी बैंक दोनों को अलाउ कर दिया गया कि इंडिया में अपना बिजनेस करो। तो प्राइवेट बैंक को अलाउ किया गया, प्राइवेट एज वेल एज फॉरेन बैंक्स अलाउड इन इंडिया, इंडिया में उनको अलाउ किया गया, है ना। तभी हम देखते हैं जैसे भारत का एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, है ना, सुने ना आपने, आईसीआईसीआई बैंक है, अमिताभ बच्चन इसके ऐड करते हैं, इन्होंने क्या है बहुत बेहतरीन इंटरेस्ट रेट, मतलब कंपटीशन को इन्होंने इंक्रीज किया, और अपनी सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज देके मार्केट के अंदर एक जो है एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया इन्होंने, है ना। तो ये दिख रहा है अलाउड इन इंडिया, हाँ दिख रहा है, पूरा दिख रहा है अलाउड इन इंडिया। तो दो पॉइंट हो गए, चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई और ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक। अब करते हैं आगे, दो पॉइंट और अभी इसके छोटे छोटे, जल्दी से कर लो, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं,
तो आगे चलते हैं। तीसरा जो इसका पॉइंट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का, तीसरा जो पॉइंट है दैट इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लिमिट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लिमिट, इन्वेस्टमेंट की लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया भाई। अब क्या है 74% फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है बैंकों में, ठीक है, बैंकों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 74%। इसका मतलब यह है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति पैसा लाकर इंडिया के बैंकों के 74% शेयर खरीद सकता है। मतलब इसका मतलब यह है कि इंडिया वाले जो इंडिया के बैंक है वो अपना बैंक बेच सकते हैं किसी भी विदेशी कंपनी को, 74% तक शेयर बेच सकते हैं वो, है ना जी, ये मामला है इसका। तो अच्छी बात है क्योंकि विदेशी लोग आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तीसरा पॉइंट जो है इसका वो है ईज इन, सॉरी तीसरा चौथा पॉइंट है, तीसरा तुमने कर लिया, चौथा पॉइंट है ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस, है ना, ये पॉइंट है ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि भैया एक्सपेंड करना है, न्यू ब्रांच खोलनी है, न्यू ब्रांच अगर आपको खोलनी है तो आपको आरबीआई से पूछने की आवश्यकता नहीं है, नो प्रायर परमिशन फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता अब आपको नहीं है। एक्सपेंशन प्रोसेस ईज कर दिया गया है, कमर्शियल बैंक चाहे तो अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं बिना आरबीआई से पूछे, लेकिन हाँ बाद में बता देना भैया, बता देना कि भैया हमने वहां पे ब्रांच खोल ली अपनी, ठीक है, जस्ट टू इन्फॉर्म। ओके, तो ये आपके फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हो गए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम तीसरे जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, सवाल इसमें से भी बन सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म करते हैं, थोड़ा बड़ा मामला है लेकिन देखो क्या करें, डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, तीसरा ना, एक दो, हाँ तीसरा है ये, नहीं हाँ तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज, या पहले हमने टैक्स रिफॉर्म लिखा था उसमें ना, लिस्ट में टैक्स रिफॉर्म लिखा, तो टैक्स रिफॉर्म करेंगे पहले, टैक्स रिफॉर्म करेंगे हम पहले, टैक्स रिफॉर्म करेंगे, क्या लिख दिया, टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो टैक्स कौन कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है जनता से। अब जनता से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो पहले तो पता होना चाहिए टैक्स कितने प्रकार का होता है ना जी, तो पहले पता करते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ टैक्स ऑलरेडी आप इसको जानते ही होंगे, मैं लिस्ट बना देता हूं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो तरह के टैक्स होते हैं भाई, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्स जो है भैया ये डायरेक्ट टैक्स लगता है किसी भी व्यक्ति की इनकम के ऊपर, किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के ऊपर और किसी भी कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, तीन चीजों पर लगता है। तो इट इज इंपोज्ड ऑन एक दो तीन, तीन चीजों को लिखना पड़ेगा, किस किस पे इंपोज होता है, एक है इनकम ऑफ इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल और प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है जी, ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स जो है इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज अनअवॉइडेबल, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते,
मतलब अगर आप सरकार की रेंज में आते हो टैक्स देने की रेंज में, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, आपको करनी पड़ेगी। नहीं करो, अगर आपने पेमेंट नहीं की, अगर आप सरकार के रेंज में आ रहे हो और आपने पेमेंट नहीं की, तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अंटी पुलिस बुला देगी, ठीक है जी। तो अनअवॉइडेबल है। अच्छा, इसके बर्डन को शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता। अभी समझाऊं क्या मतलब है। इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। इसके बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब जिस भाई पे टैक्स लगा है उसी को देना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम से है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, कोई और आपके बदले नहीं देगा। अच्छा, इस पॉइंट को यहां पे आप समझोगे बहुत इजी तरीके से, ठीक है। अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, आगे इसका एग्जांपल है। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। इसमें इनकम टैक्स आता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर आता है प्रॉपर्टी टैक्स, जिसको हाउस टैक्स बोलते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स इसके अंदर आता है, और एक आता है कॉर्पोरेट टैक्स। ये प्रॉफिट पे लगता है, कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो कंपनी के ये वाला ये है, ये टैक्स, ये वाला कॉर्पोरेट टैक्स। ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये लगता है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पे। तो इट इज इंपोज्ड ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। यहां पे लिखते, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, वहां पे कुछ और लिखेंगे। कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। ये पॉइंट बन गया इसका। आगे है, इट इज अवॉइडेबल। भाई इसको आप अवॉइड कर सकते हो कैसे, कि भाई जिन गुड्स पर ये लग रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज मत करो। बाय नॉट एंटरिंग इनटू दैट ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन के अंदर एंट्री मत करो जिन पे टैक्स लगता है, बच जाओगे। भाई किसने बोला है बर्गर किंग पे जाके आप बर्गर खाओ, भाई वहां तो टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। आप खाओ दिल खुश बर्गर, गुप्ता जी के बर्गर खाओ, वहां पे टैक्स थोड़ी है। रेडी वाला उस पे टैक्स नहीं है, तो उस पे टैक्स नहीं देना है ना जी। तो ये बात है, तो इट इज अवॉइडेबल है। अच्छा, इस पे क्या है, इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तो भैया बर्डन इसका शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, ये कंज्यूमर पे तो लगता ही नहीं है, ये प्रोड्यूसर पे लगता है। जो बर्गर किंग है, जो बर्गर बना रहा है, उस पे सरकार ने टैक्स लगाया है जीएसटी, लेकिन वो क्या है, वो उसको शिफ्ट करके कंज्यूमर पे डाल देते हैं। तो हमें पे करना पड़ता है, हम देते हैं प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर देता है सरकार को, सरकार ने एक्चुअली वो प्रोड्यूसर पे लगाया लेकिन वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ओके, अगला पॉइंट है इसका एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया है, जीएसटी है ना। चलो इसे तो ब्लैक से लिखेंगे भाई। एग्जांपल है इसका जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलो ये भी लिख देते हैं, वैसे सबको पता ही होगा, फिर भी लिख देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी बोलते हैं इसको। ओके भाई, बहुत बढ़िया। अगला देखो, अब इसमें रिफॉर्म क्या किया, टू टाइप्स हमने पढ़ लिए, इसमें रिफॉर्म क्या किए गए। इसमें तीन बड़े रिफॉर्म और बहुत सिंपल रिफॉर्म किए गए। तो रिफॉर्म्स की अगर बात करें टैक्स रिफॉर्म की बात करें, तो पहला किया गया रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स किया गया है। इसका मतलब यह होता है कि पहले क्या था, टैक्स बहुत ज्यादा था, हाई टैक्स होता था पहले, 1991 से पहले की बात कर रहा हूं, ये टैक्स रिफॉर्म भी 1991 में हुए थे, सब कुछ 1991 में हुआ, ये पूरा जो लिबरलाइजेशन है वो 1991 में ही हुआ है।
तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा टैक्स हुआ करता था, तो लोग क्या है टैक्स की चोरी करते थे, टैक्स को अवॉइड करते थे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टैक्स तो कोई देना नहीं चाहेगा ना। अगर 1 लाख की इनकम है और 1 लाख की इनकम के अंदर आपसे कोई 40,000 का टैक्स मांगे तो आप नहीं दोगे, जाहिर सी बात अवॉइड करोगे। 1 लाख की इनकम में 40,000 का टैक्स कोई नहीं देना चाहेगा, लेकिन अगर उसको रैशनलाइज कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए, 1 लाख की इनकम पे आपसे 5,000 टैक्स मांग रहे, 5,000 तो यार कोई भी दे देगा, क्योंकि सबको भैया सबको टैक्स देना ठीक लगता है, लेकिन वो रैशनलाइज होना चाहिए। तो रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स किया गया टू अवॉइड टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स से बचना, इवेजन मतलब चोरी। तो टैक्स को इवेड ना करें लोग, टैक्स से बचने को छोड़े, टैक्स की चोरी ना करें, इसलिए सरकार ने रैशनलाइजेशन किया। टैक्स की चोरी बोलते हैं टैक्स इवेजन को, ठीक है जी। एक तो पॉइंट ये किया सरकार ने, और उसके बाद सरकार ने देखा कि ये ना टैक्स का जो टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया सरकार का, जब सरकार ने रैशनलाइजेशन किया। अगला पॉइंट आता है इसका, वो है अगला पॉइंट है कि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको क्लब करके, उनको क्या एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम, उनको जो है सिंप्लीफाई किया गया, या सिंप्लीफाई ना करके उसको बोलेंगे क्लब करना, उनको टुगेदर कर देना। तो क्लबिंग एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्लबिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्लबिंग वर्ड मैंने यूज कर लिया, लेकिन यहां पे बुक में कई कुछ और वर्ड भी यूज इन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। हमने क्लबिंग वर्ड यूज किया, इकट्ठा कर देना, उसको एक बना देना, या उसमें जो है सिंप्लीफिकेशन करना, कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करना, कॉम्प्लेक्सिटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स की उसको अवॉइड करना। तो चलो मैंने ये वाला वर्ड यूज कर लिया। इसमें आपने देखा ही है कि सरकार ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के जीएसटी बना दिया गया है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये बन चुका है। इसके बारे में बेटा पूछ लेता है कि ये कब आया था देश के अंदर, तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको। जैसे 29 मार्च 2017 में ये पार्लियामेंट से पास हो गया था, 29 मार्च 2017 को जीएसटी पार्लियामेंट से पास हो गया था और इंप्लीमेंट हुआ पूरे देश के अंदर, इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017। ये दो डेट जीएसटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, 29 मार्च 2017 पार्लियामेंट से पास और 1 जुलाई 2017 इंप्लीमेंट पूरे देश के अंदर, है ना। दो पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट कहां करें, छोटा सा पॉइंट है, यहां करें क्या, कहां करें मिटान, हम यहां कर लेगा तीसरा पॉइंट, ठीक है। 1, 2 और 3 यहां कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट हम यहां कर रहे हैं, 1, 2 और 3। यह सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, सिंप्लीफाई प्रोसेस, प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है भाई। अब टैक्स देना बहुत ही आसान है, आप ऑनलाइन भी टैक्स भर सकते हो, और आप जो है ऑनलाइन भर सकते हो, या सिंगल विंडो बना दी गई टैक्स देने की। तो प्रोसीजर या प्रोसेस बहुत सिंपल बना दी गई, पहले 1991 से पहले बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होता था कि इस दफ्तर के चक्कर लगाओ, उस दफ्तर के चक्कर लगाओ, जाओ उस अधिकारी से साइन लगवा के आओ, उससे साइन लेके आओ, मतलब बंदा जो है टैक्स देने में ही उसको बहुत परेशानी होती थी, तो उसको अब सिंप्लीफाई प्रोसेस कर दिया गया, ठीक है जी। ये है हमारे टैक्स रिफॉर्म जो हमने कर लिए हैं। अब हमारे दो रिफॉर्म और बचे हैं, अभी वीडियो लंबी हो चुकी मैं जानता हूं, लेकिन भाई डिटेल में भी तो कर रहे हैं, पूरी प्रॉपर क्लास भी तो चला रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य और रखिए, दो छोटे छोटे रिफॉर्म जल्दी से और कर लेते हैं। अब आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ओके। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म अभी हम करेंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब हम कर रहे हैं नंबर 4 पे, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज होता है विदेशी मुद्रा, यानी कि विदेशी करेंसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब इसमें दो बड़े काम किए गए, पहले तो ये किया गया
कि डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, भारत के रुपयों का डिवैल्यूएशन किया गया है। ठीक है भाई, तो समझते हैं ये है क्या डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। देखो भाई इंडिया के रुपए की वैल्यू कम कर लेना बड़ा अजीब सा लग रहा है, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हम खुद ही अपने इंडियन रुपीज की वैल्यू को डिवैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं कराऊंगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक चैप्टर आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब करेंगे इसको बहुत डिटेल में करेंगे तब कैसे होता है। फिलहाल आप ये समझ लो कि डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी का मतलब अपने ही रुपये की वैल्यू को कम कर लेना। एग्जाम में आता है इसको पहले लिख लेते हैं, है ना, कई बार ये एग्जाम पूछ लेता है कि है क्या डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी है क्या। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। कह रहा है इट रेफर्स टू फॉल, गिरना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब ही होता है इंडियन रूपी। इंडिया के हिसाब से डोमेस्टिक करेंसी रुपीज है, रुपीज। फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा, यानी कि डॉलर, यहां पे डॉलर को बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज। तो डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू को कम कर देना, इसे डिवैल्यूएशन बोलते हैं। हम अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रहे हैं, ये किया जाता है टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर। फिलहाल आप यहां पे सिर्फ इतना सा रेफरेंस है कि इसे हमारा ही फायदा होता है, इससे हमारे देश के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इसलिए हम अपनी वैल्यू कम कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट करते हैं इसका। दूसरा इसका पॉइंट है मार्केट डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है भाई, देखो भाई अब पॉइंट ये होता है कि भैया ये जो एक्सचेंज रेट है इसको डिसाइड कौन करेगा? जैसे रुपीज 80 में 1 यूएसडी, यूएस डॉलर मिलेगा, 80 रुपए दोगे तो 1 यूएसडी मिलेगा, इसको डिसाइड कौन करेगा? क्या इंडिया की गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगी या अमेरिकी गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगी? भाई कोई भी नहीं करेगा इसको, अब 1991 के बाद बात कर रहे हैं, इसको मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी। ठीक है, डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस, इसको मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी। ये पॉइंट यहां पे रखा गया, मार्केट फोर्सेस इसको डिसाइड करेंगी कि भैया कैसे होगा ये, ऐसे होता है। देखो ये ऐसे बनाया 0xy, आपको याद भी होगा 11th पढ़ा था हमने, ये डिमांड हो गया है, ये सप्लाई हो गई है, जहां पे डिमांड सप्लाई मीट कर रहे हैं ये एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी 80 रुपए, और ये हो गया आपका एक डॉलर 80 रुपए का। डिसाइड किसने किया? मार्केट फोर्सेस ने किया, डिमांड सप्लाई ने। ओके नॉट ओके भाई, बहुत बढ़िया। तो ये खत्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म खत्म, बस अब एक और बचा है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, जल्दी से खत्म करते हैं, हो जाएगा फिर। ओके जी, डन। नंबर 5 करते हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, लास्ट है हमारा ये नंबर पांच कर रहे हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। भाई देखो इसमें क्या है, इसके अंदर भी 3-4 काम किए गए। दरअसल ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगा रखी थी उससे रिलेटेड है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सरकार ने जो, दोबारा बता रहा हूं या रिपीट कर रहा हूं, सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं चाह रही थी कि बहुत ज्यादा हो, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन थी, उसको बोलते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो सबसे पहले ये किया गया कि सरकार ने रिमूव किया रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो भाई इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह है
कि पहले 1991 से पहले सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्वांटिटेटिव वर्ड का मतलब होता है कि नंबर नंबर यानी कि नंबर की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। नंबर का मतलब यह है क्वांटिटी फिक्स कर रखी थी, क्वांटिटी फिक्स कर रही थी कि इस क्वांटिटी से ज्यादा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि आप 10,000 जोड़ी जूते से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, 10,000 जोड़ी जूते ये एक क्वांटिटी है, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसी एक्सपोर्ट है कि आप इस क्वांटिटी से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, पहले सरकार ने रजिस्ट्रेशन लगा रखी थी, लेकिन अब 1991 के बाद लिबरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर उसको रिमूव कर दिया गया है। अब आप कितना मर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, सरकार आपको नहीं रोकेगी। ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया। क्वांटिटी एन ही लगा यहां पे, क्वांटिटी तो बच्चे बोलते हैं यार कि स्पेलिंग सर बहुत मिस्टेक करते हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी फिक्स। दूसरा जो पॉइंट है वो है रिडक्शन, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। और तीसरे से साफ कर लेते हैं, रिडक्शन रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, इन इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है जी, यहां पे ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स, ड्यूटी का मतलब है टैक्स, ड्यूटी का मतलब है टैक्स, यानी कि सरकार ने जो एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा रखा था उसको सरकार ने रिड्यूस कर लिया, उसको सरकार ने कम कर लिया। ऐसे ही सरकार ने जो इंपोर्ट पर टैक्स लगा रखा था उसको सरकार ने कम कर लिया। सिंपली पॉइंट है ना। लास्ट पॉइंट करते हैं, नंबर चौथा, वो है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग, इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग। ये है हमारा पॉइंट, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देखो इसका मतलब ये है कि देखो 1991 से पहले भी और अभी भी मतलब ऐसा है कि इंपोर्ट करने के लिए, विदेशों से इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अब उस लाइसेंस की आवश्यकता, लाइसेंस मिलना आसान काम था नहीं, पहले बड़ी मुश्किल से लाइसेंस मिलता था इंपोर्ट करने के लिए, बहुत सारी शर्तें पूरी करनी पड़ती थी, 10-12 शर्तें पूरी करनी पड़ती थी। अब क्या हुआ है 1991 के बाद सरकार ने उसमें रिलैक्सेशन दे दिया है कि लाइसेंस तो अभी भी लेना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए, लेकिन उसकी शर्तें कम कर दी गई है। पहले अगर 10 या 12 शर्तों को पूरा करना पड़ता था, अब 4-5 शर्तें पूरी करनी, तो रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन का मतलब अब लाइसेंस मिलना इंपोर्ट के लिए थोड़ा आसान हो गया, मतलब काफी आसान हो गया। ठीक है जी, ये पॉइंट है रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग। तो ये 4 पॉइंट हो गए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म और लिबरलाइजेशन यहां पे खत्म होता है, लिबरलाइजेशन खत्म होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, दोस्तों काफी लंबी वीडियो होगी अगर आपने देखी है यहां तक, तो भैया थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो भैया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक कर दीजिए, और अगर आपके किसी दोस्त को ये वीडियो काम आ सकती है तो तुरंत उसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।